दशमेश गर्ल्स कॉलेज पिंड बादल विखे पंजाब यूनिवर्सिटी के जॉन श्री मुक्तसर साहब के 3 दिन चलने वाले यूथ एंड हैरीटेज फैसटिवल मुकाबलों के आखिरी दिन की समाप्ति मौके श्रोमणी अकाली दल बादल पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मुख मेहमान के वजो शिरकत की। इस मौके उन्होंने जिथे जेतू विद्यार्थियों सन्मानित किया उत्थे ही सूबा सरकार को भी आड़े हथी लिया। तो दस दें उन्हों का कहना सी कि पंजाब दे विच इस वेले मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। होर भी कई निशाने उन्होंने वालों पंजाब सरकार से भगवंत मान से साधे गए की कहना सी उन्हों का आओ सुना। तो देखो सरकार ना की चीज़ ही है नहीं। भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनना सी शौक पूरा करना सी, हूँ तो हवाई जहाज से बह के दूजे सूबे फिर इतने तो है ही नहीं, हूँ कोई परवाह ही नहीं। बच्चे टीचर साहबान प्रिंसिपल साहबान दशमेश गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थी सारे मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तकरीबन 24 साल हो गए जदों मेरे पिता बादल साहब ने इस स्कूल दे कॉलेज दी नींव पत्थर रख्या। लगातार हर महीने या महीने च कई दिन वो इतने आते रहते देखते रहते की चीज़ की लोड़ है। उन्होंने निशाना सी कि आ इलाके का पंजाब का सब तो बेहतरीन लड़कियों का कॉलेज बने। कॉलेज के जोड़े बच्चे है उन्होंने नैशनल तो इंटरनेशनल लैवल से ना कमाया, देश का ना रोशन किया। आ एक बहुत वड्डी कामयाबी अपने इलाके की भी है तो लोगों की। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि मैं चंडीगढ़ पहुँचना है, नाले मैं लगता थोड़ा मूड भी है नहीं कुछ स्पीच पूछ हों। किसी ने सारे स्पीच सुनते रहते हो सियासी लीडर की नहीं। मैं तुम्हें एक ही गल कहना चाहना है, आ जी उम्र ची हो बस पूरी जिंदगी दी सब तो बेहतरीन समय है। आ जड़े 5-7 साल होंगे ना, मैं तो कई बार घरे बैठा मैं क्या रब मैं अगले 30-40 साल ले ले या 5 साल वापस दे दे। आ जड़े 5 साल है 7 साल है ना तुम्हें कोई फिक्र है ना कोई थोड़े मन च बोझ है, तो तुम जो अपने दिल की ख्वाहिशा तुम इतने पूरी कर सकते हो। सो एक एक दिन बड़ा इंजॉय करो, पढ़ाई के जोर दो क्योंकि पढ़ाई क्या जी चीज़ है, सब तो वड्डी जायदाद किसी की पढ़ाई है। आ लोग कहते हैं कि मेरी इन्नी किले जमीन है, मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरे को शाह है, वो उसके कोल नहीं है, वो कोई पता नहीं लगता जो बैंक वाले ले जाना। जे असली थोड़े को कमाई है जायदाद है आ डिग्री है, जेड़ी डिग्री के सिर पर तुम जिंदगी भर अपने परिवार को पाल सकते हो तो अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। इस करके आ जी समा है वध तो वध पढ़ाई करके तुसी अपने आप को पैरों पर तुम सारे परिवार को खड़ा कर सकता पैरों पर आ डिग्री। सो साड़ी कोशिश रही है, बादल साहब वड्डियां दी कोशिश रही है, असी बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं। बादल साहब ने शुरू तो जदों भी सरकार आई उन्होंने जोर ही एजुकेशन पर लाया। आदर्श स्कूल स्कीम उन्होंने लिया पंजाब जिन्नी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैके जिन्या भी यूनिवर्सिटियां है उन्होंने समय सारिया बनिया है क्योंकि उन्होंने पता सी कि पंजाब अगे तात रहू टक्की करूगा जो पंजाब में चंगे कॉलेज खोलन चंगी एजुकेशन होए तो आना जोर लाया। सो कामयाबी होए तो मैं बड़ी खुशी है कि अगले साल पूरे 25 साल हो जाएंगे। तो संगा साहब बहुत लंबा सफर है, 25 साल के अंदर मैं देखा बहुत अगे कॉलेज गया। तो थोड़े सारे स्टाफ का धन्यवाद करता है जो बच्चे आए सारा।
देखो जो यूथ फेस्टिवल है नौजवान पीढ़ी को आप जड़ा जोड़न लिए करवाए जाते हैं उत्साह इन्हों भी आता साढ़े भी आता अज दशमेश गल कॉलेज बादल दे फेस्टिवल जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो रहा मैनू इस गल की खुशी है कि डॉक्टर एस एस संघा की अगवाई दे देखो सरदार प्रकाश सिंह बादल होर की सरप्रस्ती आ और संघा साहब की अगवाई असी पंजाब यूनिवर्सिटी वालों 8 यूथ फेस्टिवल इतने किए हैं एक इंटरजोनल किया एक 2012 के इंटरवर्सिटी भी पहले इतने की और इन्ने उत्साह इतों का स्टाफ प्रिंसीपल साहब की निगरानी के काम करता कि बच्चों के पूरा उत्साह हों सू फिक्र नहीं हों किसी गल का सो अज भी मैं जिते डॉक्टर संघा मुबारकबाद देनी आ उ इस जोन के जोड़े 28 कॉलेज देखो 28 कॉलेजों के विद्यार्थी इतने आए आ उन्होंने उन्होंने मापियां उन्होंने प्रिंसीपल साहबान उन्होंने अध्यापकों इस गल की मुबारकबाद दिना कि असी इस युग के भी इन विद्यार्थियों इन बच्चों आपकी धरती जोड़ रहे हैं उदासी साहब ने लिखा कि मैंने जोड़िया जड़ा के नाल रहन दे घट मंडी में मुल पैंदा पहन दे रहन दे नहीं वाए मैनू मेरे पिंड रहन दे ये अपने पिंड नाल असी इन्हां नूं जोड़ रहे हैं अपनी धरती नाल जोड़ रहे हैं मैं मुबारकबाद दिना संघा साहब नूं।